मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर फोरम के प्रेसिडेंट भाई सतेंद्र सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल एच.एस. जैन साहब, डॉक्टर आर.एम. खरब साहब, हमारे डॉक्टर डी.सी. जैन साहब, टंडन साहब, उपस्थित बंधु और बहन, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी कार्यक्रम के बीच से जाना या उसका मूल्यांकन कम करना ये कदापि मेरे नेचर में कभी नहीं रहा। इस कार्यक्रम के निमंत्रण से पूर्व मुझे आज के दिन इसी समय करनाल का एक कार्यक्रम का निमंत्रण, जो कि मैं पहले बहुत पहले स्वीकार कर चुका था, पर भूल हमारे से ये हुई कि इस विषय पे जब निमंत्रण आया ये इतना मन को दिल को छूने वाला विषय था, डायरी को बगैर देखे यहाँ भी स्वीकृति दे दी गई। इवन की कल डीसी जैन साहब का फोन आया कि हमें तो पता लगा है कि आप कल करनाल में होंगे। मैंने कहा आपको किसने कहा? बोले मेरे कोई परिचित मित्र साहब, उन्होंने बताया कि लोकेश मुनि जी तो हमारे यहाँ का हमारे धर्म संकट खड़ा हुआ है, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में अवश्य आऊंगा। और डीसी जैन साहब मतलब आप आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप तो कहते हैं थोड़ी देर रुके, मैं तो इस विषय पर इस तरह बैठना चाहता हूँ कि उठू ही नहीं और इस कार्य को लेकर के। हालांकि मैं आपके यहाँ आने को बाद आया हूँ, आपका अभी तक आगमन नहीं हुआ, इसलिए संवाद में कुछ अभी जितना होना चाहिए नहीं है। सामने खिल्ली मल्ल साहब बैठे हैं और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश के मांस निर्यात बंद हो इसकी गारंटी के साथ जिम्मा लेने को मैं तैयार हूँ। और मेरी और कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी मेरे संगठन की आप एक समिति बना के मुझे सिर्फ इतना सा आश्वासन दे दो, क्योंकि हमारे भारतीय लोकतंत्र की और हमारी सरकारों की जो भी एक कार्य प्रणाली है, जब तक पर्याप्त जन दबाव उपस्थित न हो, अच्छे से अच्छे काम के बावजूद काम के झूम रहने की नहीं, और जन दबाव होने पर जल्लीकट्टू जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहने के बावजूद भी वह कार्यक्रम हो जाते हैं। लंबी चौड़ी नहीं, मैंने बड़ी सोच समझ करके आपसे कह रहा हूं, सिर्फ 30 दिन के लिए पूरे इंडिया से अलग अलग प्रांतों से पर डे 1000 लोग उतरते जाए, उनकी व्यवस्थाओं का सिर्फ छोटा सा दायित्व तो आप संभाल लो, मैं अपना जीवन दांव पे लगाने को तैयार हूं। और आपको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, मेरा जीवन दांव पर नहीं लगेगा, मैं आपके बीच में रहूंगा और मैं प्राणियों को बचाने में सफल